नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जनवरी में उत्तर प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में, और जानेंगे कि जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर नया पश्चिम विक्षोभ आने वाला है, उसके कारण उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर बारिश होने के आसार हमें 29 और 30 जनवरी के दौरान नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जो है ग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, तो दोस्तों ये यहाँ पर नया पश्चिम विक्षोभ है जो कि काफ़ी रफ्तार के साथ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये जैसा यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर 28 जनवरी की जो है रात्रि से ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि कुछ हिस्सा इसका, और इसको भारत के पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इसके यहाँ पहुँचते ही राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा, और यहाँ से इस तरह से हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है राजस्थान से होती हुई यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण शाम से ही यानी कि 28 जनवरी की शाम के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम कह सकते हैं कि आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। और बारिश की जो गतिविधियाँ हैं दोस्तों, तो देखिए वे कुछ इलाकों पर उत्तर प्रदेश के 28 जनवरी की रात्रि में भी होने के आसार हैं, और 29 जनवरी से ये जो बादल है ये यहाँ से इस तरह से होते हुए उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों को जो है वे कवर कर लेंगे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में जैसे ही आप 29 जनवरी में की सुबह को देखेंगे तो ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे और कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होने के वे आसार हमें नज़र आ रहे हैं। और कई इलाकों पर जो है 30 जनवरी में भी बारिश होने की संभावनाएं वो हमें नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश के भागों पर, और कुछ इलाकों पर जो है ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं वे इस तरह की नज़र आ रही है कि हो सकता है कि कुछ इलाकों पर उत्तर प्रदेश के ओलावृष्टि भी देखने को मिल जाए। तो आइए IMD की रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश पर इस पश्चिम विक्षोभ के कारण बदलने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 28 जनवरी की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 28 जनवरी में भी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि शाम के समय से ही मौसम खराब होगा, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाम तक जो है मौसम साफ रहेगा। शाम के समय से खास तौर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगरा, हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद, एटा, इटावा, झांसी और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर और बागपत, यहाँ पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। ये बादल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और 29 जनवरी की सुबह से ही यहाँ पर बारिश का माहौल बन जाएगा और कई भागों पर बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी, और ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो ये जो है 28 जनवरी की रात्रि से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होकर और 30 जनवरी तक जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर हमें देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा। हवाएँ जो उत्तर प्रदेश के भागों पर बदलेंगी वे 29 जनवरी से बदलेंगी, पूर्वी हवाएँ हो जाएंगी, यहाँ पर सर्कुलेशन बनते ही पूर्वी हवाएँ चलनी शुरू हो जाएंगी। और कल जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कल रात्रि से उत्तर प्रदेश के भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर मौसम बदलने वाला है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 29 जनवरी की, तो देखें 29 जनवरी में ये बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे और हवाएं पूर्वी रहेंगी, और हो सकता है कि कुछ भागों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थोड़ी बहुत जो है ओलावृष्टि भी देखने को मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों 30 जनवरी की अगर हम बात करें, तो 30 जनवरी में ये बादल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों पर भी बादल छा जाएंगे, और यहाँ पर भी जो है वो बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों पर जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम उत्तर प्रदेश पर हमें नज़र आ रहा है, यानी कि 29 और 30 जनवरी के दौरान उत्तर प्रदेश में मौसम खराब होने की संभावना काफ़ी नज़र आ रही है। और 31 जनवरी से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों से मौसम साफ हो जाएगा, वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और फिर से जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस सभी पर क्या राय है? क्या नए पश्चिम विक्षोभ के कारण जो पूर्वी हवाएं काफ़ी रफ्तार से उत्तर प्रदेश के भागों पर चलेगी, क्या इसके कारण ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन सकती है या नहीं है? तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।